आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू मलेरिया संबंधी जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से आज सरकारी प्राइमरी स्कूल अजीजपुर खद्दावर में बच्चों को डेंगू तथा मलेरिया बुखार के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर टीम की ओर से स्कूल में मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करवाया गया तथा डेंगू तथा मलेरिया के प्रति जागरूकता संबंधी पोस्टर बांटे गए। इस मौके पर हेल्थ वर्कर गुलाब सिंह ने बच्चों को बताया कि बरसात का मौसम के दौरान मच्छर से बचाव बेहद जरूरी। उन्होंने बताया कि मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में तथा डेंगू का मच्छर साफ पानी में पड़ता है। बरसात के दौरान गली नालों तथा घर की छत पर कई बार पानी खड़ा हो जाता है, जिससे मच्छर पनप जाता है। इसलिए मलेरिया तथा डेंगू से भी अपना बचाव करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए यह जरूरी है कि हम अपने घर के आसपास पूरी सफाई रखें, गंदा पानी ना खड़ा होने दें, अपनी टैंक के ऊपर ढक्कन लगाकर रखें, छत पर ऐसा कोई भी सामान ना रखें जिसमें बरसात का पानी खड़ा हो। हफ्ते में एक बार फ्रिज की ट्रे को साफ करें, कूलर के पानी को सप्ताह में एक बार ज़रूर बदलें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर तेज़ बुखार हो, कंपकंपी हो, तेज़ सिर दर्द हो, उल्टी आए, आँखों के पीछे दर्द हो, स्किन की एलर्जी हो जाए तो जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करें तथा अपना इलाज करवाएं। जी, पंजाब सरकार ने जो लोगों नूं डेंगू मलेरिया बुखार तो बचाने वास्ते स्पैशल जागरूकता मुहिम चलाई है, उसके तहत अज असी सेहत विभाग की टीम पठानकोट वालों माणयोग सिविल सर्जन पठानकोट की अते SMO सुजानपुर के दिशा निर्देशों अनुसार अज पिंड अजीजपुर के स्कूल में डेंगू मलेरिया सर्वे अते स्प्रे करवाई गई है अते जागरूकता की गई है ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।